दुआ और सब बाकी सारे घर वाले गए कायनात को मनाने के लिए। जी हाँ वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमजी देखने को मिलेगा रब से है दुआ का, और वहीं तरफ आपको रब से है दुआ के अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि दुआ और बाकी सारे घर वाले गए हैं उसको मनाने के लिए, यानी कि कायनात को मनाने के लिए। जी हाँ वेल दोस्तों, हुआ मुझे यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली कायनात आपको पता होगा कि इस शादी के अगेंस्ट है। जी हाँ, और वहीं तरफ आपको देखने को मिलेगा कि दुआ बोलती है कि मैं अपनी बेटी के भलाई के लिए उसके पैर भी गिरना पड़े तो मैं गिर जाऊंगी। जी हाँ, और फाइनली दुआ और बाकी सारे जन जाते हैं उसके पास यानी कायनात के पास, और जाने के बाद दुआ बात करती है कि अगर तुम अपने बेटी की भलाई चाहती हो, मेरे बेटी की भलाई चाहती हो, तो प्लीज ये शादी कर लो क्योंकि मैं भी अपने बेटी की भलाई चाहती हूँ। हाँ, मेरे को पता है कि मेरी बेटी ने अच्छे काम किए नहीं है, मेरी बेटी ने रात को चली गई थी और वो अपने साथ साथ इज्जत को भी ले गई थी, इस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा वो होता है, इस वजह से प्लीज अब उसने अपनी गलतियां कबूल कर ली है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही है और वो अब शादी करने के लिए भी तैयार है, अपने ने पुरानी बातों को भुला चुकी है, तो प्लीज आप शादी कर लो। जी हाँ, लेकिन वही एक तरफ आपको पता होगा कायनात के माइंड में बहुत से अलग अलग से थिंकिंग आ रहे होते हैं कि वो शादी करे या ना करवाए, शादी करे या ना करवाए, लेकिन वो अपने बेटे सुभान का भला भी चाहती है, इस वजह से वो सोचते है कि शादी करवा दे। लेकिन वही एक तरफ जो कायनात होती है एक माइंड वो भी थोड़ा डाल होता है कि अगर मैंने इसको अपना बहू बना लिया, अगर ये बीच में भाग गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। जी हाँ, वेल अब देखना ये वो कि कायनात हाँ बोलती है या फिर ना बोलती है। वेल मेरे को लग रहा है कि शायद ना बोल देगी, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि हाँ भी बोल सकती है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, और कायनात सुभान और मन्नत की शादी के लिए हाँ बोलने वाली है या फिर नहीं, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और इतने अपडेट के साथ। बाय बाय।